ये देखिए, एकदम देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना। ऐसा कई बार होता है कि घर में सब्जी नहीं होती या सब्जी बनाने का मूड नहीं होता, तो बस आप एक बार ये मिर्च की सब्जी बनाकर देखिए, आप इसके स्वाद के दीवाने हो जाएंगे। तीनों वक्त इसी से खाना खाना चाहेंगे, मतलब बिना भूख के भी दो की जगह चार रोटी खा लेंगे जब आप ये भुना मसाला मिर्ची फ्राई बनाएंगे। और इस रेसिपी की सबसे खास बात, एक बार बनाइए पूरे हफ्ते भर तक के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही स्पेशल भुना मिर्ची मसाला फ्राई बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए 250 ग्राम हरी मिर्च, जो नॉर्मल मिर्च होती है उससे हल्की सी बड़ी है। ये देखिए, मतलब नॉर्मल वाली जो छोटी छोटी मिर्च आती है उससे माइनर सी बड़ी होती है। इसमें बीज भी कम होते हैं और स्पाइस भी थोड़ा सा कम होता है। पकौड़े वाली मिर्च इस सब्जी को बनाने के लिए बिल्कुल ना लें, मजा नहीं आएगा। इसी से आप बनाएं, ये मीडियम स्पाइसी मिर्च होती है। तो यहाँ पर मैंने मिर्च को अच्छे से धो लिया है, धो करके बढ़िया से पोंछ लिया है। अब यहाँ पर आप एक मिर्च लें, मिर्च को इस तरह से बीच में से चीरा लगा लें, यानी स्प्लिट कर लें, इस तरह से कट लगा लें, पूरा डीप कट नहीं, कि इस तरह बस इसको खोल पाए। ये देखिए, परफेक्ट। तो इसी तरह हम सारी ही मिर्च पानी से धोकर पोंछकर इस तरह बीच में से कट कर लेंगे। ऐसा कई बार होता है कि घर में सब्जी नहीं है या प्याज लहसुन खा नहीं सकते, जैसे इस सावन के मौसम में बहुत सारे घरों में प्याज लहसुन नहीं खाया जाता, तो सोचना पड़ता है मजेदार सी क्या चीज बनाएं, या सब्जी बनाने का मूड नहीं हो रहा तो क्या बनाएं। तो ये एकदम बेहतरीन वाली मिर्च की सब्जी बता रही हूँ आपको, तो सभी को बिल्कुल इसी तरह तैयार कर लेंगे। अच्छा, बीज निकालने की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें बीज कम भी होते हैं और मिर्च नहीं होती है ज्यादा। तो अपनी स्पेशल बेसन वाली भुना मिर्ची फ्राई बनाने के लिए बनाते एक बढ़िया सा स्टफिंग मसाला। एक बोल में सबसे पहले यहाँ हम लेंगे 2 छोटे चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, कोई भी रेगुलर मिर्च जो आपके घर में यूज होती है वो ले सकते हैं। 1 छोटी चम्मच ले रही हूँ हल्दी पाउडर, 4 बड़े चम्मच धनिया पाउडर। तो यहाँ पर जो धनिया पाउडर है ना, वो मैं ज्यादा मात्रा में लेना है क्योंकि यही मेन बेस है इस मसाला स्टफिंग का। 1 छोटी चम्मच ले रही हूँ जीरा पाउडर, 2 छोटे चम्मच जाएगी दरदरी कुटी हुई सौंफ, 1/2 छोटी चम्मच डाल रही हूँ काला नमक, अगर हो तो जरूर डालिएगा, मस्त लगेगा ये मसाला। 1/2 छोटी चम्मच डालेंगे गरम मसाला और 3 छोटे चम्मच जाएगी सबसे जरूरी चीज आमचूर पाउडर, जो मिर्ची को बैलेंस करेगी, साथ के साथ बहुत ही बढ़िया स्वाद जगाएगी हमारी मिर्च की सब्जी में, मतलब 2-in-1 बन जाएगा, अचार भी लगेगा और सब्जी भी। और 1/2 छोटी चम्मच डाल रही हूँ कसूरी मेथी, बहुत बढ़िया लगती है इस मसाले में, आप डालकर देखिएगा। तो इस तरह से क्रश करके डाल देंगे, अच्छी तरीके से सूखे मसाले को मिक्स करेंगे, मतलब इस मसाले से आप वैसे कोई भी भरमा सब्जी भी बना सकते हैं, बहुत ही मस्त लगेगा ये मसाला। और साथ में इसमें डाल रही हूँ एंड में 1/2 छोटी चम्मच हींग, अच्छे से कर दीजिए मिक्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब गैस पर आप एक पैन या कढ़ाई चढ़ाएं, फ्लेम को रखेंगे मीडियम और इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, आप इसे प्लेन ऑयल में भी बना सकते हैं। मिर्ची फ्राई का असली स्वाद सरसों के तेल से है और सरसों के तेल में बनी हुई चीजें ज्यादा दिन तक खराब भी नहीं होती। और तेल के अच्छे से गर्म होते ही जैसे इसमें धुआं निकलने लगे, गैस को आप बंद कर दीजिए, कुछ क्षण के लिए हल्का ठंडा होने दीजिए। अब वापस से गैस ऑन करेंगे, फ्लेम को लो रखेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच बेसन, यकीन मानिए जो मस्त फ्लेवर आएगा ना बेसन का, इस मिर्च में मजा आ जाएगा, एक प्रॉपर बाइंडिंग देगा और सब्जी में स्वाद जगाएगा। अच्छे से लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर बेसन को हम भून लेंगे। अच्छा, बहुत जरूरी पॉइंट यहाँ ना, ज्यादा तेल बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि जैसे जैसे बेसन भुनता है ना वो तेल छोड़ने लग जाता है, तो बस इतने ही तेल में आपको ये लगेगा सूखा सूखा, हमें बस ऐसे ही इसको तैयार करना है। बेसन में से भी बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, बहुत ज्यादा नहीं भूनेंगे वरना बेसन कड़वाहट पर आ जाएगा। गैस को इस स्टेज पे कर देंगे बंद, बिल्कुल परफेक्ट बेसन का टेक्सचर दिख रहा है। बंद गैस पर जो भी हमने मसाले तैयार किए ना, सारे मसाले इस गर्म पैन में डाल देंगे। इससे क्या होगा कि बेसन की जो हीट है उसमें मसाले हल्के से रोस्ट हो जाएंगे, जिससे स्वाद और ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये लीजिए, बिल्कुल बढ़िया से मसाले को भी मैंने मिक्स कर लिया है, एकदम बढ़िया कंसिस्टेंसी में हमारा बेसन वाला मिक्स दिख रहा है। और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे, फटाफट से तैयार करेंगे अपनी मिर्च। तो हमारा मसाला मिर्च सब बिल्कुल तैयार है। फाइनली एंड में मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, अच्छे से मिक्स कर देंगे, तुरंत से अपनी मिर्च को भरेंगे। अब आप लीजिए मिर्च जो हमने काट कर रखी थी ना, बस मिर्च में इस तरह से हल्का हल्का सा मसाले को हमें भरना होगा, बस इस तरह इसको हम भरते जाएंगे, बस इस तरह से हल्का हल्का भरिएगा, बहुत ज्यादा बिल्कुल भी नहीं भरना है इसको, तभी मजा है इस मिर्च का। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह बेसन और मसालों का जो कॉम्बिनेशन है इसको सुपर टेस्टी बनाएगा, ज्यादा बिल्कुल नहीं भरेंगे और इतनी मात्रा भरेंगे आपको बिल्कुल भी आटे आटे जैसा फील नहीं होगा, बहुत बढ़िया लगेगा खाने में। तो सभी मिर्च बिल्कुल इसी प्रकार हल्की हल्की सी मसाले से भर लेंगे। और ये लीजिए, मैंने सारी ही मिर्च को इस तरह से भर लिया है बेसन से, क्या मस्त दिख रही है।
और ये जो थोड़ा मसाला बचा है इसे आपको बचाना जरूर है, नहीं बचे तो भी कोशिश कीजिए कि बच जाए। मैं भी आपको बताऊंगी इसका क्या करना है। अब फटाफट हम गैस पर चढ़ाएंगे एक कढ़ाई या पैन और इसमें हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। आप कोई दूसरा ऑयल भी ले सकते हैं, मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ, टेस्ट भी ज्यादा अच्छा आता है, शेल्फ लाइफ भी ज्यादा रहेगी। तेल एकदम बढ़िया धुआंदार गर्म हो गया है तो गैस को बंद कर देंगे, कुछ क्षण के लिए तेल को हल्का सा ठंडा होने देंगे, क्योंकि एकदम से तेज गर्म तेल में अगर आप मिर्च डाल देंगे तो मिर्च सारी जल जाएंगी। लीजिए तेल हल्का सा ठंडा हो गया है, अब वापस से गैस को ऑन करेंगे, फ्लेम को रखेंगे लो मीडियम। सबसे पहले इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच सरसों, साथ ही इसमें जाएगा 1/2 छोटी चम्मच जीरा। और बस इस स्टेज पर अब इसमें हम डाल देंगे हमारी मसाले वाली मिर्च, बिल्कुल इस तरह से। सबसे जरूरी बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये कि यहाँ पर हमें मिर्च को बहुत ज्यादा नहीं गलाना है, इसका मजा हल्के कंच के साथ ही है, मतलब ऐसा समझिए कि हमें 60% ही मिर्च को पकाना है। तो सारी मिर्च इसी में डाल देंगे, बहुत ज्यादा आप इसको पका देंगे तो मिर्च एकदम गली गली सी हो जाएंगी, फिर वो टेस्ट और टेक्सचर और वो मजा नहीं आएगा खाने में। तो बस इस तरह से हल्का सा हम इसे घुमाएंगे और 2 मिनट इसी तरह पका लेंगे। कितनी सुंदर दिख रही है, मतलब ये एक ऐसी चीज है कि अगर आपको भूख नहीं भी लग रही हो ना, इसको देखकर आपको भूख लग जाएगी और मन करेगा कि गर्मा गर्म पराठे या फिर रोटी मिल जाए और इसके साथ मजे से खा ले। अब देखिए मिर्च हमारी हल्की सी पक गई है, आप देख सकते हैं पूरी तरह गली नहीं है, अभी भी क्रंच इसमें बरकरार है। इस स्टेज पर जो हमने मसाला बचाया था ना, 2 बड़ा चम्मच मसाला मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। अब ये इस मिर्च को जबरदस्त तो टेस्टी बनाएगा, साथ के साथ देखने में इसको इतना सुंदर कर देगा कि आपको देखते ही मन कर जाएगा खाने का। ऊपर से कोटिंग हो जाएगी मसाले की तो इससे लुकिंग बहुत बढ़िया आएगी और एकदम खाने में भी बढ़िया लगेगी। 1 मिनट और मसाले के साथ इसको पका लेंगे, मतलब इतना पकाना है कि जो मसाला हमने ऊपर से डाला है ना वो पूरी मिर्च पर चारों तरफ चिपक जाए। और ये देखिए मसाला एकदम बढ़िया से मिर्च पर कोट हो गया है, पूरा चिपक गया है, एकदम मस्त हमारी बेसन वाली स्पेशल भुना मसाला फ्राई मिर्च तैयार हुई है, ये देखिए। तो बस इस स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे और इसके ऊपर अब जाएगी वो सीक्रेट चीज जो इसके फ्लेवर को और भी एनहांस कर देगी, वो है नींबू का रस। थोड़ा सा नींबू का रस हम डालेंगे, थोड़ा सा ही हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डालने से जो इसका फ्लेवर है पूरा बैलेंस भी होगा, आपको बहुत ज्यादा खट्टा नहीं लगेगा, क्योंकि आमचूर की जो खटास है वो अलग होती है, नींबू की अलग लगती है। हल्का सा डालिएगा, एज अ प्रिजर्वेटिव भी काम करेगा, ज्यादा दिन तक मिर्च को बरकरार रखेगा, उसका कलर मेंटेन रहेगा। लीजिए हमारी बहुत ही स्वादिष्ट मजेदार चटपटी मुंह में पानी ला देने वाली मिर्च की सब्जी है बिल्कुल तैयार, बस इसको हम सर्व करेंगे। और इस तरह बना करके आप इसे पूरे 7 दिन के लिए फ्रिज में उठाकर रख दीजिए, जब ये ठंडी हो जाए, जब दिल चाहे निकालिए और अपना खाने का आनंद लीजिए। मतलब रोज वाले खाने की सब्जियों से बोर हो जाए या सब्जी में मजा नहीं आ रहा तो साइड में से निकाल लीजिए, ऐसे भी खाएंगे तो भी चलेगा, साइड में खाएंगे तो भी मजा देगी। इसकी लुकिंग देखकर ना मुझे बोला भी नहीं जा रहा, रुका भी नहीं जा रहा, मन कर रहा अभी खाने बैठ जाओ, तो मैं तो इसको खाने जा रही हूँ। आप इसे जरूर बनाइए, मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स में जरूर बताइए कैसी लगी आपको आज की स्पेशल बेसन वाली भुना फ्राई मिर्ची की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये स्पेशल रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज 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 वीडियो को ढेर सारे लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, और यदि आप कुक विद पारुल पर नए आए हैं तो आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद जय भारत।